हेलो नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं आईबीसी 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर बेबाक में। तो खबर बेबाक में आज बात हम करेंगे सीमा पार के एक और इश्क की। जी हाँ, सीमा की कहानी तो आपने देखी कि किस तरह से नेपाल के रास्ते वो अपने प्यार को पाने के लिए भारत आ पहुंची है। हालांकि बाद में उसमें काफ़ी सियासत हुई और जासूस का कनेक्शन भी हमने उसमें देखा। हालांकि अभी ये जाँच पड़ताल लगातार जारी है, लेकिन अब इसी बीच एक और प्यार अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान जा पहुंचा है और ये प्यार पहुंचा है भारत से। जी हाँ, सीमा की कहानी तो आपने ज़रूर देखा, लेकिन अब सीमा आई है यहाँ से, अंजू चली गई है पाकिस्तान। अब अंजू की कहानी बहुत वायरल हो रही है, बहुत मशहूर हो रही है। बताया जा रहा है कि अलवर की रहने वाली अंजू पाकिस्तान चली गई है अपने प्रेमी नसरुल्ला से मिलने के लिए। तरह तरह की बातें बताई जा रही है और आईबीसी 24 को भी एक्सक्लूसिव ये खबर, ये जानकारी जैसे ही पता चली तो आईबीसी 24 की टीम उनके मायके पहुंची। जी हाँ, ग्वालियर सबसे पहले आईबीसी 24 की टीम पहुंची, उनके घर वालों से हमने बात करने की कोशिश की, पड़ोसियों से भी हमने बातचीत की। पड़ोसियों का क्या कहना है ज़रा आप ये सुनिए, फिर इस कहानी के बारे में आगे मैं एक्सक्लूसिव आपको कुछ जानकारी देती हूँ। आंटी, आपको पता है कि अंजू पाकिस्तान पहुंच गई है, अपने प्रेमी के पास पहुंच गई है, क्या जानकारी है कुछ आपको? पाकिस्तान चली गई, बोलते हैं ऐसा करना नहीं था बेटा, वो इस तो करके चली गई, आना चाहिए उसको वापस। दो दो बच्चे, एक लड़की एक लड़का है, पति है उनकी। ब्याह प्रसाद यही का रहने वाला है, 20-25 साल से रह रहा था, टेलर का काम करता था, गाँव में आके बस गए, BSF से इसका फादर रहा हुआ। तो आपने देखा कि पड़ोसियों का क्या कहना है आईबीसी 24 की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि एक हलफनामा सामने आया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान जो एजेंसीज है उनके तरफ से ये हलफनामा सामने आया है। बताया जा रहा है कि 20 अगस्त तक का ही वीज़ा है अंजू के पास, वो 20 अगस्त तक ही पाकिस्तान में रहेंगे और उसके बाद उन्हें वापस आना होगा। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है अंजू का, जिसमें वो ये दावा कर रही है कि उनकी कहानी सीमा और सचिन के जैसे नहीं है, वो पूरे फर्जी तरीके से वहाँ पर नहीं पहुँची है बल्कि वैध तरीके से वो पाकिस्तान गई हैं और 20 अगस्त को वो वापस आ जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि अंजू अपने प्यार को पाने के लिए वहां पर गई हैं, एक 15 साल का उनका लड़का है और एक छोटी सी बच्ची है, अपने पति अपने परिवार को छोड़कर के वो पाकिस्तान चली गई हैं। लेकिन जिसे वो अपना प्रेमी बता रही हैं, नसरुल्ला उन्हें सिर्फ अपना दोस्त बता रहा है। जी हाँ, नसरुल्ला का भी एक नया बयान सामने आया है, एक हलफनामा नसरुल्ला की तरफ से, जो कि कथित प्रेमी बताया जा रहा है अंजू का, उसका वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहा है कि अंजू उनकी प्रेमिका नहीं सिर्फ दोस्त है और सिर्फ दोस्त होने के नाते वो पाकिस्तान पहुंची है। अब ज़रा आप सोचिए कि क्या वो कोई दोस्ती निभाने के लिए भारत से पाकिस्तान पहुँच जाएगा। ये भी बात सामने आई कि 4 साल से इनका प्यार चल रहा था, इनका अफेयर चल रहा था सोशल मीडिया में, और उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, शादी करने के लिए बात सामने आई कि वो पाकिस्तान जा पहुंची है। लेकिन हालांकि अब आगे क्या होता है इस मामले में, सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई है। जब वो भारत वापस आएंगी तो फिर यहाँ पर जो एम्बेसी है, किस तरह से अब वो आगे इस मामले की जांच पड़ताल करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन नसरुल्ला का ये बयान बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि नसरुल्ला का तो कहना है कि ये कोई लव एंगल नहीं है, ये सिर्फ दोस्ती वाला एंगल है। तो क्या आपको क्या लगता है कि अंजू और जो नसरुल्ला की ये जो नई कहानी है, क्या वाकई वो प्रेम कहानी है या फिर ये दोस्ती वाली कहानी है? कमेंट करके आप ज़रूर हमें बताएं। और आईबीसी 24 ने ग्वालियर जब वहाँ पर पहुँचा तो हमने उनके पड़ोसियों से भी बातचीत की, और उसके बाद अंजू का एक और वीडियो सामने आया, उसमें वो यही दावा कर रही हैं कि वो फर्जी तरीके से नहीं, पूरे लीगली वो पाकिस्तान पहुँची है। उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ, और मैं यहाँ पे सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है, और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पर आराम से, और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से, सबसे, कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें, बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। तो ये वीडियो आपने देखा, लेकिन सीमा पार वाला ये जो इश्क है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं ज़रा ये भी इस वीडियो के एंड में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अब इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कोई झारखंड पहुंच रहा है यूरोप से, कोई पाकिस्तान से भारत पहुंच रहा है, तो कोई अब आपने देखा कि किस तरह से भारत की सरहदों को पार करके पाकिस्तान पहुँच गया है। हालाँकि भारत और पाकिस्तान के संबंध उतने अच्छे नहीं रहे हैं, हमने देखा है कि कितनी सियासी सरगर्मियाँ रही हमेशा भारत और पाकिस्तान के रिश्ते के बीच। लेकिन अब ये जो ताज़ा बयान नसरुल्ला का सामने
में आया है कि वो उन्हें अपनी प्रेमिका नहीं मान रहे, उनका कहना है कि सिर्फ दोस्त हैं और जिस जिले में वो पहुंची है हलफनामे के हिसाब से सिर्फ उसी जिला में वो रहेंगे, उसके बाहर भी वो कहीं नहीं जाएंगी और 20 अगस्त को उनकी वापसी हो जाएगी। यानी कि वो तो कह रही है कि वो 2-3 दिनों में वापस आ जाएंगी, लेकिन हलफनामा में कहा जा रहा है कि वो 20 अगस्त तक वापस लौटेंगे। अब खैर सबको इंतजार है कि अंजू कब वापस लौटती है और उसके बाद क्या कुछ खुलासा होता है इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई। लेकिन एंड में इस वीडियो में आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको इस कहानी के बारे में क्या लगता है, ये प्यार वाली कहानी है या फिर दोस्ती वाली कहानी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नसरुल्ला जो कि कथित प्रेमी बताया जा रहा है उनके बयान को लेकर के आपका क्या सोचना है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए। और ये हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि दोस्ती वाली कहानी है या फिर प्यार वाली कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप IBC24 के साथ ही खबर विभाग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और IBC24 देखते रहें। नमस्कार।